वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। हल्द्वानी हिंसा, एक और खुलासा। सलमान के पास कहां से आया पैसा? पैसों का है विदेशी फंडिंग कनेक्शन। सलमान से पूछताछ जारी है एक्शन। हल्द्वानी का बनभूलपुरा जो हिंसा की वजह से पूरे देश में सुर्खियों में रहा, वो एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार चर्चा की वजह एक तस्वीर है, गाड़ी की बैक सीट पर बैठे दो लोग, एक के हाथ में काला बैग और दूसरे के हाथ में नोटों की गड्डी, जिसे वो बैग में सजाता दिख रहा है। वीडियो आगे बढ़ता है और दोनों ही शख्स लोगों के बीच पैसे बांटते दिखाई देते हैं। महिलाओं और पुरुषों में नोटों के बंडल बांटे जा रहे हैं, घर घर जाकर लोगों तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी के उस इलाके की जो हिंसा से प्रभावित हुआ और पैसे बांटने वाला शख्स हैदराबाद का है। सवाल ये कि आखिर हिंसा का ये हैदराबाद कनेक्शन है क्या? हल्द्वानी के बलूनपुरा में हुए दंगे के बाद यहाँ कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू के बाद यहाँ इंटरनेट सेवाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, जो अब खोल दी गई है। उसके अलावा कर्फ्यू भी खोल दिया गया है और यहाँ जो चर्चाओं में है वो इन दिनों एक इंस्टाग्राम पर वीडियो चल रहा है जो सेवा के नाम पर चल रहा है, क्योंकि वो हैदराबाद के सलमान खान के नाम से एक आईडी है जो बलूनपुरा क्षेत्र में जो पीड़ित लोग थे उनके बीच में पहुंचकर पैसे बांटते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सलमान खान को उठाकर पूछताछ भी की, उसके बाद फिलहाल उसे छोड़ दिया गया। हैदराबाद के सलमान खान नाम के एक युवक ने जब बनभूलपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों को रुपये बांटे तो पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया। रुपये बांटने का वीडियो सलमान ने खुद अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे डिटेन कर उससे घंटों पूछताछ की। दरअसल सलमान हैदराबाद यूथ करेज के नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट चलाता है। हैदराबाद यूथ करेज नाम से उसका एक एनजीओ भी है और बनभूलपुरा में उपद्रव के बाद से ही सलमान खान फंड इकट्ठा कर रहा था और दंगा भड़कते ही हैदराबाद का सलमान खान हल्द्वानी के लिए निकल पड़ा। हालांकि वो हल्द्वानी पहुंच पाता इससे पहले ही पुलिस ने उसे रोक लिया, लेकिन हालात शांत होने के बाद वो पैसों की गड्डी लेकर मौके पर पहुंचा और बनभूलपुरा में नोटों की गड्डियां बांटने का वीडियो अपने अकाउंट पर अपलोड किया। अब सवाल ये कि आखिर इस पर इतना विवाद क्यों? दरअसल शख्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर कई ऐसे पोस्ट हैं जो समुदाय विशेष को भड़काने के लिए बनाए गए हैं। सलमान के कई पोस्ट बताने को काफी हैं कि वो किस तरह एक समुदाय को टारगेट कर उन्हें भड़काता है, उनके मन में जहर घोलने की कोशिश करता है। वो हिंसा में मारे गए समुदाय विशेष के लोगों को शहीद करार देता है और अब लोगों के बीच पैसे बांटने का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने उसे डिटेन कर पूछताछ की। हालांकि कल तक अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने वाले सलमान खान के सुर पुलिस पूछताछ के बाद बदले बदले नजर आ रहे थे। ये वीडियो मैं खुसूसी तौर पर बना रहा हूं ताकि सब लोगों को क्लैरिटी मिले। मुझे जो डिटेन किया गया था कुछ वक्त के लिए ताकि पूछताछ कर सके, तो बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है और अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिली पुलिस की, कि पुलिस के अहदेदार वहां पर मुझे खिदमत करते हुए दिखाई दिए और अल्लाह के फजलो करम से खिदमत जारी है। जो हालात जिस तरह से सोशल मीडिया पर बताए जा रहे थे, जब मैं मुकाम पर पहुंचा तो अल्लाह के फजलो करम से अभी वो हालात नहीं है, बहुत बेहतर हालात बने हुए। अभी वहां पर कोई वैसे जो है ना डर और खौफ के माहौल अभी नहीं है, माशाल्लाह सब चीज नॉर्मल हो चुका है। और मैं उन पुलिस वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। ये मामला सिर्फ भड़काऊ पोस्ट या पैसों का नहीं है बल्कि किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि आखिर सलमान के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो नोटों के बंडल के साथ हल्द्वानी तक पहुँचा कैसे? क्या मामले में विदेशी फंडिंग का कनेक्शन है?
ये वो सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने में पुलिस की टीम जुट गई है। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इस साजिश पर से पर्दा उठाने में कामयाब होती है। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, 28 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा, देहरादून।